तो दोस्तों कैसे हो आप सब, स्वागत है आपका आज की टेक न्यूज में। दोस्तों बीएसएनएल के कस्टमर की तो लॉटरी लग गई है, क्योंकि बीएसएनएल अपने 4G सिम में दे रहा है 96 के रिचार्ज में आपको 10 GB पर डे 28 डेज के लिए, और अगर आप 236 का प्लान कराते हैं तो उसमें आपको 84 डेज के हिसाब से पर डे आपको 10 GB मिलेगी। तो सोचिए दोस्तों 86 डेज का हो गया आपका 860 GB एंड 28 डेज का हो गया आपका 280 GB। तो दोस्तों अगर आप बीएसएनएल के यूजर हैं तो जरूर से ये रिचार्ज कराइए। दोस्तों बढ़ते हैं अगली टेक न्यूज की तरफ। आज की सबसे बड़ी लीक बताता हूं, जो दोस्तों वीवो V17 सीरीज आएगी अब वीवो की, जो इनकी एक मिड रेंज सीरीज होती है और अच्छे फोन होते हैं इस रेंज के, भले ही थोड़े महंगे होते हैं, पर दोस्तों ये फोन आज लीक हुआ है। वो भी लीक किसके हाथ से हुआ? सलमान खान के हाथ से। तो दोस्तों ये बिग बॉस के सीजन 13 के एपिसोड में सलमान खान के हाथ में देखा गया, इसमें बस उसका लोगो दिखाया गया है और एक ब्यूटीफुल कलर दिखाया गया है वीवो की तरफ से, और वीवो की ब्रांडिंग भी दिखाई गई है, और ये उन्होंने कंफर्म कर दिया कि वो इनकी नई सीरीज है वीवो V17। इसमें आपको 4 कैमरा बैक में मिलेंगे, डुअल कैमरा आपको फ्रंट में मिलेगा, वो भी पॉपअप के साथ। तो दोस्तों बढ़ते दूसरी न्यूज की तरफ। वीवो की तरफ से ही सेप्टेम्बर में दूसरा फोन लॉन्च होगा जिसका नाम है वीवो Z1X। दोस्तों ये भी एक मिड रेंज का काफी अच्छा फोन होने वाला है, जैसे वीवो V7 Pro था। तो इसमें आपको मिलेगी 5000mAh की बैटरी, प्लस इसमें आपको फास्ट चार्जिंग मिलेगी जो कि वीवो Z1 Pro में नहीं था, और इसमें आपको दोस्तों 48 मेगापिक्सल का सोनी का IMX सेंसर देखने को मिलेगा, जो कि एक काफी अच्छा फोन होने वाला है मिड रेंज में। जैसे कि आप सबको पता है दोस्तों, वीवो की Z सीरीज ने, या Z सीरीज बोल सकते हैं इसको, इसने रियलमी और रेडमी को काफी अच्छी टक्कर दिया, इनके बहुत ही मिलियनों में फोन शिप हुए हैं इस सीरीज के बाद से, और दोस्तों ये थोड़ा सा ट्रैक पे भी आ गई है। दोस्तों अगर आपको टेक्नोलॉजी का ज्ञान है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा ही साबित किया है चेन्नई के एक टेकी हैं, उनका नाम है लक्ष्मण मुथैया। दोस्तों इन्होंने इंस्टाग्राम में कुछ दिन पहले एक बग ढूंढा जिससे कि कोई भी आपकी आईडी को हैक कर सकता है बिना कोई मैसेजेस या ओटीपी के। तो दोस्तों इसके बाद जब इन्होंने इंस्टाग्राम को रिपोर्ट करी तो इंस्टाग्राम ने इनको $10,000 देने का वादा किया है और दे भी चुके हैं। और दोस्तों इससे पहले इन्होंने एक और बग ढूंढा था, वो भी फेसबुक में, तो फेसबुक ने इनको दिए थे $30,000। तो दोस्तों ऐसे ही अब माइक्रोसॉफ्ट भी एक इवेंट रख रहा है जिसमें कि वो टेकीज को बुला रहा है, अगर आपको ज्ञान है आप उसमें जा सकते हैं। अगर आपने उनका बग ढूंढ लिया उनके ब्राउजर में तो आपको वो $1,000 से लेके $30,000 तक देने के लिए तैयार हैं। दोस्तों जो Redmi के CEO हैं लू बिबिंग, उन्होंने आज कंफर्म किया कि Redmi K20 सीरीज जो थी उसका सक्सेसर आने वाला है दिसंबर में, Redmi K30, और उसमें आपको 5G सपोर्ट मिलेगा, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अभी कुछ महीना भी नहीं हुआ है उन्होंने K20 को रिलीज करे, फिर दिसंबर में इतनी जल्दी उनका K30 आ रहा है, क्योंकि हमें वो भी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है दोस्तों, हमारे पैसे की सही कीमत देता है वो फोन। तो दोस्तों ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आएगा तो आपको जरूर बताएंगे। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, और वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी अभी तक। तो OnePlus की तरफ से खबर आई है आज कि वो अपने हैदराबाद का जो सेंटर है उनका R&D, वहां 1000 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि वो अब हैदराबाद उनका मेन मार्केट बन चुका है, तो उसमें वो 5G पे और डिस्कवर करना चाहते हैं, प्लस उनकी कंप्यूटर लैब, प्लस उनकी कैमरा लैब जो होगी जहां वो कैमरा सेटअप करेंगे अपने फोन्स के, उसमें वो खर्च करने वाले, जो कि दोस्तों एक बहुत अच्छी बात है हमारे देश की इकोनॉमी के लिए भी और मेड इन इंडिया के लिए भी। दोस्तों गूगल की तरफ से खबर आई है कि गूगल ने आज इंडिया में लॉन्च कर दिया अपना गूगल हब होम, यानी गूगल होम हब, जो कि आपके फ़ोन में जितने भी इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस हैं उन सबको एक साथ कंट्रोल कर सकता है। इसमें आपका अमेजोन इको फायर स्टिक और जो इतने भी आपके ब्लूटूथ स्पीकर, ये सबको एक साथ कंट्रोल कर सकता है। एक छोटी सी स्क्रीन होगी इसकी जिसको आपको अपने घर पर रखना पड़ेगा, बाद में आपके पूरे घर का सिस्टम संभाल सकता है। फिर दोस्तों लिनोवो की तरफ से भी खबर आई कि लिनोवो ने आज इंडिया में लॉन्च कर दिया अपनी स्मार्ट लॉक, जिसमें टच स्क्रीन आती है, इनबिल्ट स्पीकर आता है, प्लस दोस्तों इसमें गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट आता है जिससे कि आप इसमें वो बोल के कमांड भी दे सकते हैं। तो दोस्तों आज की टेक न्यूज में बस इतना ही था, आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, मेरे चैनल पे नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, रोज मैं आपको ऐसी टेक न्यूज देता रहता हूं। तो दोस्तों मिलता आपसे अगली वीडियो में, मैं सचिन भट्ट, आप देख रहे थे नॉलेज पावर, मिलता आपसे अगली वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय एंड टेक केयर।